हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट माइंड टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपकी कार कहीं से एक्सीडेंट हो जाती है या स्क्रैच रहते हैं बम्फर्स में कहीं भी, तो उसमें हम टचिंग कैसे करवाते हैं, कितना खर्चा आता है, कैसे होता है, ये सब मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। हमारी गाड़ी में आप देख सकते हैं राइट साइड के फेंडर में डेंट था, जिसको मिस्त्री ने अभी निकाल दिया। अभी आप वीडियो में देखें, अब इसमें पुट्टी वर्क होगा, इसके बाद जो भी प्रोसेस होगी आप देख सकते हैं। और इसमें राइट साइड का फेंडर है मेरा, लेफ्ट साइड का फेंडर और बम्पर है उसमें भी स्क्रैच हैं, और एक साइड मिरर उसको भी, वो ब्लैक है तो उसको वाइट करवाना है, और जो हमारा फ्यूल फिलर का हाउजिंग है उसको भी वाइट करवाना है, क्योंकि वो गिर गया था तो जब नए नया लगवाए हैं तो उसमें हमको अब दोबारा पेंटिंग करवाना है। तो इसको आज हम लेके आए टचिंग पे, तो इस फेंडर पे तो पूरा पेंट होगा। और लास्ट में आपको मैं इसका कास्टिंग भी बताऊंगा, कास्ट इसमें कितना आया है आप देख सकते हैं। अब इसमें जो उसके वर्कर हैं उसने इसमें पुट्टी भर दी है, तो ये ग्रीन पुट्टी है, ये हल्की प्राइस में आती है। और हमारे में देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्क्रैच है, अब यहाँ पे पुट्टी भरने के साथ ही आप ये लेफ्ट साइड का भी फेंडर और बम्पर का काम स्टार्ट हो गया है, तो साथ ही साथ अब इसमें पूरा पुट्टी वर्क कंप्लीट है। अब इसमें घिसाई होगी, जिसमें से सबसे पहले 250 नंबर, 300 नंबर, फिर 1,500 नंबर के करीब, ऐसे करके ये लोग घिस के, जितने अच्छा इसको घिसेंगे उतने ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आती है। और इसमें मैं आपको दिखा नहीं पाया, मैंने इसमें चारों व्हील्स भी अपने पेंट करवाए थे, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। इसमें ब्लैक करवा दिए अपने व्हील मैंने, तो ये छोटे छोटे जितने भी स्क्रैचेस हैं इन सबको हटवा के इसमें पेंट किया गया है। इस पेंट में ओनली दो कोट होते हैं, एक बेस कोट होता है और एक फिर फाइनल कोट होता है। तो जिसमें से इसमें क्या है कि ये पेंट में ही हार्डनर और जो क्लियर कोट है वो मिला रहता है, तो इसमें अलग से हमें क्लियर कोट वाला ऑप्शन नहीं करना पड़ता कि क्लियर कोट करेंगे। और ये पेंटिंग भी सस्ती होती है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। जैसे इस राइट साइड का फेंडर है, इसकी अगर बात की जाए और इसकी अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल इसकी पेंटिंग चार्ज लेते हैं, पेंटिंग बस का लेते हैं 1,500 रुपये, जो वाइट कलर का एक नंबर का आता है, और ये तो हमारा नॉर्मल है इसलिए इसमें ज़्यादा वो नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें वर्क चल रहा है, जितना भी घिसते हैं फिर अगर उसमें कुछ कमी आती है तो फिर उसमें पुट्टी फिलिंग करते हैं। अब देख सकते हैं पुट्टी वर्क कंप्लीट हो गया, अब इसमें घिसाई बाकी है। तो इसको घिसने के बाद लड़का घिस रहा है, इसको घिसने के बाद आप देखेंगे जब इसमें एकदम से उसको प्रॉपर ही पता चल जाएगा कि हाँ ये कंप्लीट अब पेंट करने लायक हो चुका है, तभी वो पेंट इसमें करेगा। और इसके अलावा जितने जगह भी माइनर माइनर स्क्रैचेस हैं, थोड़ा भी स्क्रैच है, उन सब में भी ये पेंट पेंट करेंगे। अब इसको मेन इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की बात वही घिसने की होती है, ये जितने अच्छा घिसेंगे और जितने नंबर पेपर से, जितना ज़्यादा नंबर का पेपर रहेगा, जैसे जब ज़्यादा घिसना होता है तो आप देखेंगे कि लगभग 250 नंबर या 300 नंबर से घिसेंगे, और जब इसको स्मूथ बनाना होगा तो फिर 1,500 और 2,000 नंबर के पॉलिश पेपर से घिसते हैं। तो लड़के ने इसमें लगभग 1.5 घंटे ओनली इसमें उसका घिसने का गया है। अब इसमें बेस कोट का काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि घिसाई कंप्लीट है, बेस कोट करेंगे पेंटर साहब। बेस कोट करने के बाद इसमें डायरेक्ट फाइनल कोट कर दिया जाता है, ताकि इसमें जो इसमें पेंट है मेटालिक है, ज़्यादा साइन वाला नहीं है, जिसमें अलग से क्लियर कोट लगाते हैं वो ज़्यादा साइन ही होता है, तो इसमें ये सब सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं ये बेस कोट स्टार्ट हुआ है, और इसकी कास्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने इसका कितना पे किया है वहाँ पे, आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही चीप प्राइस में इस तरह के पेंटिंग का कार्य होता है। तो इसको मास्किंग वास्किंग कर दिया है, जहाँ जहाँ मतलब ऐसा उनको समझ में आ रहा कि पेंट नहीं पड़ना चाहिए वहाँ मास्किंग कर दिए हैं, और
बेस कोट स्टार्ट है, जहाँ जहाँ वो बेस कोट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। इसका बिफोर लुक आप देख रहे हैं, और पेंट हो जाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पेंट मैच हुआ है कि नहीं हुआ है एकदम परफेक्ट तरीके से। और ये मैं कहीं बहुत VIP शॉप में पेंट नहीं करवा रहा हूँ, ये नॉर्मल शॉप में पेंट हो रहा है, खुल्लन में हो रहा है, ज़्यादा मतलब हाई फाई जगह पे नहीं है। जितने ज़्यादा हाई फाई जगह उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग और काम सेम ही रहता है थोड़ा। हाँ, साफ़ सफाई ज़्यादा होती है और धूल मिट्टी पड़ने का वहाँ चांस नहीं होता है। तो ये फर्स्ट कोट लगभग कंप्लीट हो चुका है राइट साइड के फेंडर में, और इसमें अबे जो ये ब्लैक मिरर आप देख रहे हैं साइड मिरर, इसको भी अभी ये वाइट करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ भी मैंने हर जगह टचिंग करवाई है। तो और मैंने जो व्हील्स का आपको बताया, चारों व्हील्स मैंने स्टेपनी वाला नहीं करवाया, चारों व्हील्स के मैंने इनको पे किए हैं 400 रुपये ब्लैक कलर के। और इसकी जो कॉस्ट मेरे को आई है ये टचिंग का टोटल हर जगह का टोटल मेरे को पड़ा है 1500 रुपये। तो देखा जाए तो बहुत ही चीप है, क्योंकि मैंने हर जगह इसके बारे में पूछा तो जैसे मेरा एक ही साइड का वो 1300-1400-1500 बता रहे थे ओनली फेंडर बस का, और उसके साथ साथ मैंने अपने रियर बम्पर के साइड साइड में जहाँ जहाँ भी स्क्रैचेस थे उन सभी जगह मैंने अच्छे से पुट्टी वर्क करवा के और पेंटिंग करवाई है, गाड़ी में कहीं भी स्क्रैच ना रहे, और हर जगह टचिंग करवाई है। तो इसके लिए मेरे को ये बहुत ही सस्ता लगा। आने वाले समय में मैं देखूंगा तो अगर होगा कहीं भी कुछ मेरी गाड़ी में दिक्कत इन्हीं से करवाऊंगा। और ये फ्यूल फिलर हाउजिंग है जिसको आप देखें, तो अब इसमें फाइनल कोट की बारी आ गई है क्योंकि बेस कोट सूख चुका है। और इस पेंटिंग में, पेंटिंग के प्रोसेस में टाइम सबसे ज़्यादा लगता है पुट्टी वर्क, और उसकी जो ज़मीन होती है सतह होती है उसको बराबर करने में। तो आप देख सकते हैं इसमें अब फाइनल कोट स्टार्ट हो रहा है, और फाइनल कोट हो जाने के बाद आपको बिल्कुल भी पता ना चलेगा कि इसमें पेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से पेंट मैच हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि इसमें पेंटिंग हुई कि नहीं। और इसको सूखने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि मैंने इसको पेंट करवाया है और लगभग 10 मिनट के अंदर ही गाड़ी लेके चल दिया है।